ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड का और था चौथा साल है। आई मुझे बहुत खुशी हो रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैम जो आयोजक है विजय पांडे जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आप खुद देख रहे हैं इतना तापमान गर्म है, उसमें इतना बड़ा आयोजन करना ग्रीन सिनेमा हरियाली के लिए, वो अपने हिंदुस्तान के लिए कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है एक्चुअली। हम लोग कोरोना में 2 साल तो ऐसे ही फंस गए, कुछ किया ही नहीं। अभी मौका आया, देखते हैं कुछ धमाके करने आए हैं यहाँ पे, और मेरे फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस भी फर्स्ट टाइम होगा। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है, जैसे एज यूजुअल मैंने बोला है आपको, आगे संचिता जी आजकल क्या हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसा क्यों नहीं, एक्चुअली मैंने 2 साल कुछ भी नहीं किया था, अभी मैंने स्टार्ट किया है। अभी मैंने एक फिल्म भी थोड़ी भोजपुरी के लिए करके आई हूँ, सासू जी तुम्हें कदर ना जाए, ऐसी ही धमाका वाली फिल्म जैसे मैं निरोवा हिंदुस्तानी 2 और रीवा जैसी फिल्म करती वैसे ही। तो आगे देखते हैं, आगे तो अच्छी अच्छी फिल्में करने वाली हूँ बहुत जल्दी, सब देखेंगे। आप अपने आप को इतना फिट कैसे रखते हैं? कुछ नहीं, मेहनत करती हूँ, डाइट करती हूँ, सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ सब लोग कर सकते हैं। वो कुछ बताएं दर्शकों को, ये कितना मेहनत करती है, क्या मेहनत करती है? मेहनत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी खाना, हेल्दी रहना, रोज़ सुबह उठ के योगा या मेडिटेशन, जॉगिंग, जिम, जिसको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, डाइट करना चाहिए, सब लोग कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।